नमस्कार बोलते तारे, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राशिफल के जरिए आप अपने आने वाले भविष्य के बारे में जान सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के सामने दिया जलाना क्यों महत्वपूर्ण होता है? दरअसल सनातन धर्म में प्रकृति के ऐसे कई पेड़ पौधे, नदियां और पर्वत है जिसको धर्म से जोड़ा गया है, जिसको पवित्र माना गया है। इनमें से एक है पीपल का वृक्ष, जिसे कभी प्रेत आत्माओं का तो कभी शनि ग्रह, हनुमान जी, श्री हरि, विष्णु जी और साथ ही महादेव शिव का निवास माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शनिवार के दिन पीपल के सामने दिया जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। इसे कलयुग का कल्प वृक्ष माना जाता है, जिसमें आत्मा देवता के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के सामने दिया जलाना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। अब चलिए राशिफल की तरफ रुख करते हैं और शुरुआत मेष राशि से करते हैं। किसी बकाया रकम के मिलने से आर्थिक सुदृढ़ता बढ़ेगी और कर्म क्षेत्र से भी अच्छे लाभ की संभावना बनती रहेगी। यदि किसी नए काम के तरफ झुकाव हो रहा है तो गहन चिंतन के पश्चात आरंभ करना लाभप्रद हो सकता है। भूमि संबंधी बातों में सुविधा हो सकती है। और अब बात करते हैं मिथुन राशि की। यदि जमीन या मकान खरीदना या बेचना हो तो पूरी सावधानी की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे पूंजी की सुरक्षा हो सकती है, काम धंधे में व्यस्तता बढ़ सकती है और संतोषप्रद लाभ भी हो सकता है। अच्छे भविष्य का संकेत समझना उचित होगा। कुछ ना कुछ बाधाएं आती रहेगी, जिसका समाधान भी होता रहेगा। और अब बात करेंगे कर्क राशि की। कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव होते हुए गति अनुकूल बने रहने की संभावना है, इसलिए कोई भी निर्णय सावधानी पूर्वक लेना उचित होगा। आर्थिक स्थिति अच्छे रहने पर भी कुछ ना कुछ असंतोष बना रहेगा, जिसमें सामाजिक पारिवारिक तनाव सहयोगी हो सकता है। स्वास्थ्य पर ध्यान रखना उचित होगा। और अब बात करेंगे सिंह राशि की। काम धंधे में चल रही किसी पुरानी उलझन का समाधान होने पर भी नई समस्या खड़ी हो सकती है, जिसका कारण अपना ही कोई गलत कदम होगा। वैधानिक बाधाओं का समाधान करने की चेष्टा करनी चाहिए और सहयोगों को अनुकूल बनाए रखने की चेष्टा होनी चाहिए, ताकि अच्छा परिणाम मिल सके। और अब बात करते हैं कन्या राशि की। छोटी छोटी बाधाओं में रहते हुए भी कर्म क्षेत्र में प्रगति होती रहेगी, किंतु आर्थिक उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। पारिवारिक सामाजिक गतिविधि व्यस्तता बनाए रख सकती है। यदि कोई वैधानिक अड़चन चल रही है तो उसे सुलझाने का प्रयास सफल हो सकता है। कन्या के बाद बात करेंगे तुला राशि की। घर गृहस्थी संबंधी लोगों से अच्छा व्यवहार सुख की रक्षा कर सकता है और यही स्थिति कर्म क्षेत्र में भी जारी रखने से प्रगति होती रहेगी। भ्रमित बुद्धि से निर्णय लेना कार्य हानि को बढ़ा सकता है, इसलिए विचार पूर्वक कदम उठाना ही अच्छा रहेगा। और अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। यदि शांत और स्पष्ट बुद्धि बनाए रखी जाए तो हर समस्या का समाधान संभव है। उत्साहपूर्वक लगे रहने से कर्म क्षेत्र में भी अच्छा परिणाम दिखाई पड़ सकता है, किंतु उससे होने वाले लाभ शायद संतुष्टि नहीं कर सकते। जहां तक हो सके आपसी खींचातान से बचना चाहिए और विरोधी लोगों का ध्यान रखना चाहिए। और अब बात करेंगे धनु राशि की। आर्थिक क्षेत्र में अच्छी प्रगति होने से संयम में वृद्धि की जा सकती है। विरोधी तत्व सक्रिय रहने पर भी प्रगति बाधित नहीं होगी, किंतु अतिरिक्त मामले में तनाव बना रह सकता है। भूमि संबंधी विवाद पक्ष में जा सकता है। सामाजिक क्षेत्र में स्वच्छ व्यवहार की आवश्यकता पड़ेगी। जल्दबाजी से बचना चाहिए। और अब बात करेंगे मकर राशि की। उतार चढ़ाव के रहते हुए भी जमा पूंजी सुरक्षित रखने में सफलता मिलेगी। भाई बंधुओं का सहयोग अच्छी प्रगति का कारण बन सकता है। उत्तेजना कहीं बनता हुआ काम बिगाड़ते, इसका ध्यान रखना होगा और कर्म क्षेत्र में साधा हुआ कदम उठाते रहना होगा। अचानक कोई आय रुक सकती है। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की। आय व्यय में संतुलन बनाए रखने से संचित कोष की रक्षा हो सकती है और सही दिशा में प्रयास करने से काम धंधे में भी उन्नति संभव है। भविष्य का कार्यक्रम अभी से ही निश्चित करना आवश्यक होगा, अन्यथा असमंजस की स्थिति बन सकती है। घर गृहस्थी में तनाव पैदा ना हो, इसलिए प्रयास करते रहना होगा। अब बात करेंगे अंतिम राशि मीन की। खर्च की वृद्धि आर्थिक तनाव पैदा कर सकती है। हर काम में उत्साह आवश्यक होगा, जिससे अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न नहीं हो। कभी कभी स्वजनों की प्रतिरोध दिखाई पड़ सकती है, जिसे अनदेखा कर देना ही उचित होगा। मान सम्मान की रक्षा होती रहेगी। बोलते तारे में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।